जयसिंहपुर के SDM विक्रम महाजन सोमवार को पूरे प्रदेश के लॉकडाउन होने के बाद अपनी टीम के साथ खुद बाजार में आए और स्थिति का जायजा लिया। SDM ने बाजार में खुली हुई दवाई, सब्जी, फल व बेकरी की दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो रेट लिस्ट दुकान के बाहर डिस्प्ले करें और ग्राहकों से उचित दूरी बनाकर रखें। उन्होंने दुकानों में मौजूद ग्राहकों को भी दुकानदार से उचित दूरी बनाकर सामान खरीदने की हिदायत दी और ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए ही बाजार में आने को कहा। SDM ने इस दौरान बाजार से गुजर रहे वाहन चालकों को रोका और उन्हें बाजार में आने का कारण पूछा। SDM ने मास्क ना लगाने वाले वाहन चालकों को लताड़ भी लगाई। इस दौरान जयसिंहपुर में ज़रूरी वस्तुओं के अलावा बाकी सभी दुकानें बंद रहीं। SDM ने बताया कि सड़कों से वाहनों की आवाजाही कम करना उनकी प्राथमिकता है, ताकि बाजारों में कम लोग दिखें और ज़रूरत का सामान खरीदने वाले लोग ही बाजार में आएं। जितने लोग कम भीड़ भाड़ के इलाके में आएंगे, उतना ही इस वायरस से बचा जा सकेगा। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए जयसिंहपुर से मुनीष सूद। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल माहौल कुल्लू, जहां आपके बच्चों को मिलेगा सुनहरा भविष्य। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों की सीट बुक करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल माहौल कुल्लू।